एपिसोड 227 पिग। मैं एक कंसाइडरेट आदमी हूँ। अरमान तनुजा की बात से सहमत नहीं था, जैसे तनुजा ने उससे सवाल किया था। तनुजा बिना कुछ बोले बस मुस्कुराती रही। थोड़ी देर बाद अरमान ने कहा, दीपिका ने कहा था कि फर्स्ट टाइम ये सब करना किसी भी लड़की के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि उसके बाद उनकी कमर और बैक सोर हो जाती है। मैंने इसके बारे में सोचा, मैं बाकी आदमियों से ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए तुम तो और भी ज्यादा थक गई होगी। मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे नहीं पता कि बाकी आदमी कितने ताकतवर होते हैं, तनुजा ने अपना मुंह नीचे करते हुए कहा, क्योंकि उसे इस कंपैरिजन की कोई तुक नहीं समझ आ रही थी। अरमान ने थोड़ी देर तो सोचा, फिर कहा, अगर तुम हिसाब लगाओ तो नॉर्मल आदमियों से मैं 3 गुना ताकतवर हूँ। तनुजा ने अपनी नाक सहलाते हुए कहा, दीपिका को तो बहुत कुछ पता है फर्स्ट टाइम के बारे में, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके और अक्षत के बीच ये सब पहले हो चुका है? नहीं, अरमान ने बिना कुछ भी सोचे समझे झट से जवाब दिया। तनुजा ने जवाब में कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उनके बेड के नीचे ही रहते हो। उनकी अभी शादी नहीं हुई है तो वो बेड कैसे शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? अरमान ने कहा, अगर उस अक्षत ने शादी से पहले मेरी बहन को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तनुजा जोर से हंसना चाहती थी, पर वो थोड़ा दुखी थी। पर तुमने भी तो मुझे हाथ लगाया और हमारी भी तो शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हारी बहन की अहमियत मुझसे ज्यादा है तुम्हारे लिए। लड़के सारे बेहद सेल्फिश होते हैं, तनुजा ने कहा। ये सच नहीं है, मुझे अपना पता है, मैं तुम्हारे लिए 100% रिस्पॉन्सिबल रहूंगा इस सबके बाद भी। पर अक्षत मैं नहीं हूँ, चाहे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या है। और वैसे भी वो अभी आर्मी में है, तो अगर बाद में उसने यहाँ आने से मना कर दिया या फिर अगर वो शहीद हो गया वहाँ पर, तो फिर तो दीपिका की मेहनत बेकार ना। इसलिए मैंने अक्षत को धमकाया कि अगर शादी से पहले उसने दीपिका को छूने की भी कोशिश की तो मैं उसके साथ अपनी दोस्ती तोड़ दूंगा, अरमान ने कहा। उसकी बात सुनकर तनुजा अचानक चुप हो गई। उसे अक्षत के बारे में सोचकर उसके लिए बुरा लग रहा था। हाँ, बात तो ठीक है, पर अपने ही दोस्त की शहीदी के बारे में बात करना थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ ना, अरमान ने कहा। जब से कोई भी आदमी एक सिपाही बनता है तब से ही उसे देश के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं भी जब सिपाही था तब हमेशा तैयार रहता था, वो तो बाद में उस हादसे के बाद में वहां रह ही नहीं सकता था। तनुजा भी उसकी बात सुनकर उदास हो गई और अरमान का हाथ पकड़कर बोली, पर अब सब ठीक है, मैं सपने में भी आपको खोने के बारे में नहीं सोच सकती। ये सुनकर अरमान की आंखें चमक उठी। उसने तनुजा को अपनी तरफ खींचा और उसे किस करने लगा। क्या कर रहे हो तुम? हम बात कर रहे थे ना, तुमने ऐसे अचानक मुझे किस क्यों किया? तनुजा ने अपने होंठ पोंछते हुए कहा। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझसे रुका नहीं गया, अरमान ने कहा। तुम्हारी फिक्र किसे है, मैं तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। इतना कहते ही तनुजा पीछे मुड़ गई। अरमान भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। क्या चाहिए तुम्हें? तनुजा ने पूछा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अरमान ने तनुजा से कहा। कल पूरा दिन तुमने मुझे ही तो देखा है। तनुजा को अब अरमान का उसे ऐसे घूरना अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा था। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हें देखते देखते मेरा दिल ही नहीं भरता कभी। क्या खाती थी तुम बचपन में, क्या खाकर बड़ी हुई हो तुम? अरमान ने कंफ्यूज होकर पूछा। खाना तुम्हारी तरह। तनुजा को अरमान का सवाल सुनकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। जैसे ही तनुजा ब्रश करने बाथरूम में गई, अरमान भी उसके पीछे अपने मुंह को धोने के लिए आ गया। तनुजा ने ब्रश करते करते पूछा, ये सही नहीं है, अगर दीपिका ने आज तक कभी भी ये सब नहीं किया है तो फिर उसे हर चीज के बारे में इतना डिटेल में कैसे पता है? वो कहती है कि उसने किताबें पढ़ पढ़ कर ये सब सीखा है, अरमान ने कहा। बल्कि उसने तो मुझे भी कुछ किताबें दी थी कि एक सीईओ और उसकी गर्लफ्रेंड को इस सब के बाद क्या करना चाहिए, और मैंने तो वो पढ़ी भी है। तनुजा ने अपने मुंह में भरा पानी सिंक में थूक दिया। अरमान ने परेशान होकर पूछा, तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है? तनुजा ने कहा, उसने सच में तुमसे वो सब किताबें पढ़वाई और तुमने पढ़ी भी? क्यों नहीं, हमें हर किताब से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ तक कि कॉमिक बुक्स भी कई बार हमें बहुत सी चीजें सिखा देती हैं, अरमान ने कहा। और मुझे लगता है कि वो किताबें मेरी सेक्रेटरी की मीठी बातें करने वाली किताबों से तो बेहतर थीं। सच कहूं तो पहले मुझे भी ये सब किताबें बोरिंग लगती थीं,
पर अब मुझे लगता है कि इन किताबों में लड़कियों की फैंटेसी, उनकी पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता लगाया जा सकता है। तनुजा को अब सब समझ आ चुका था कि कैसे अरमान कल से इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। तो वो सारी किताबें पढ़ने के बाद क्या तुम्हें अपने में और उन किताबों के सीईओस में फर्क पता चला? तनुजा ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या अरमान को इस बात का एहसास हुआ था कि उसे एक सीईओ होने के नाते इतनी बातें नहीं करनी चाहिए और अपनी ही तारीफों के पुल भी नहीं बांधने चाहिए। अरमान ने बस 2 सेकंड सोचने के बाद तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, वो सब मेरे जितने अच्छे नहीं है। तनुजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अरमान ने फाइनली कहा, वो सब बाहर से तो काफी शर्मीले थे पर अंदर से उतने ही वाइल्ड। हाँ हाँ, बाकी तो अंदर से वाइल्ड थे पर तुम तो बाहर से भी उतने ही वाइल्ड हो, तनुजा मन ही मन सोचने लगी। पर सच कहूँ तो मैंने उस किताब की कैरेक्टर्स की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मेरा सारा ध्यान तो बस उस एक चीज की तरफ ही था और जितना मैंने उसमें पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे लगता है कि तुम्हें भी कल रात काफी मजा आया होगा। तनुजा उसकी बात सुनकर खांसने लगी। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो टॉपिक तक नहीं बदल पा रही थी। उसे ये बात शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई मजा वजा नहीं आया, तुमने कल मुझसे ये सब करवाया था, उसने कहा। तुम मना भी तो कर सकती थी पर नहीं, तुमने तो ऐसा नहीं किया बल्कि उल्टा तुमने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, अरमान ने कहा। तनुजा ने खुद को नॉर्मल करने के लिए जल्दी से ठंडे पानी से मुंह धोया और बोली, अपना टाइम लो और अच्छे से सोचो इस सब के बारे में, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। भगवान का शुक्र था कि नाश्ता आ चुका था। पहले तो तनुजा को ऐसा लग रहा था जैसे अरमान ने कुछ ज्यादा ही खाना मंगवा लिया था, पर जैसे जैसे उसने खाना शुरू किया उसे एहसास हुआ कि 3 लोगों का खाना तो वो अकेले ही खा चुकी थी। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है? वो खुद भी काफी हैरान थी। तुम हमेशा इतना खाती हो, अरमान ने बड़ा नॉर्मली कहा। ये तो भगवान का शुक्र है कि इतना खाने के बाद भी तुम्हारा वजन नहीं बढ़ता, अरमान को तनुजा को देखकर जरा भी हैरानी नहीं हो रही थी। अगर मैं किसी दिन मोटी हो गई तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, उसने पूछा। नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे, तनुजा ने अचानक खड़े होकर कहा। चलो सैर करने चलते हैं, मैंने ज्यादा ही खा लिया है लगता है। तुम्हें लेट जाना चाहिए अगर ज्यादा खा लिया है तो, अरमान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कोई पिग नहीं हूँ, तनुजा ने उदास होकर कहा। नहीं हो, अरमान ने मुस्कुराते हुए पूछा। आज लगाना तुम हाथ फिर मुझे, तनुजा ने उससे नाराज होने का नाटक किया और फिर अपने सैंडल पहनकर बीच की तरफ चली गई। अरमान ने भी जल्दी से दरवाजा बंद किया और तनुजा के साथ पहुंच गया उसका हाथ पकड़ने। तनुजा ने उसे धक्का दिया और वो भागने लगी। वो थोड़े ही आगे गई थी जब उसकी टांगे कांपने लगी। तुम भी पागल ही हो, कल रात हमारे बीच इतना कुछ हुआ और आज तुम यहाँ ऐसे भाग रही हो, अरमान ने कहा। इधर आओ, मैं अपनी गोद में उठा लेता हूँ तुम्हें, तनुजा थोड़ी देर तो उसे घूरती रही फिर जाकर उसकी पीठ पर चढ़ गई। अरमान ने तनुजा को कल रात इतना थका जो दिया था कि आज तो उसे अपनी गोद में उठाना ही पड़ा था। एपिसोड 228, स्विमिंग। अरमान काफी देर तक तनुजा को अपनी पीठ पर उठाए चलता रहा। उसकी चप्पल बीच में उसे दिक्कत देने लगी तो उसने अपनी चप्पल उतार कर फेंक दी और वो नंगे पैर ही चलने लगा। बीच की मिट्टी बेहद सॉफ्ट थी इसलिए उसे चलने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद तनुजा ने उसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहा। उसके बाद वो दोनों बीच पर ही खेलने लगे। तनुजा ने एक डंडी उठाई और मिट्टी में उससे लिख दिया, अरमान एक पिग है। अरमान उसे गुस्से भरी निगाहों से देखने लगा। तनुजा आगे लिखती रही, तनुजा को पिग पसंद है। अरमान भी मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद अरमान ने भी एक डंडी उठाई और मिट्टी में लिखने लगा, हम दोनों 2 पिगलेट्स हैं। तनुजा भी मुस्कुराने लगी। वो पीछे मुड़ी और उसने जाकर अरमान को उसकी कमर से पकड़ लिया और उसे हग कर लिया। वो दोनों वहां खड़े रहे और समुद्र की लहरें उनके पैरों तक आ रही थीं। उन्होंने लंच में सी फूड खाया वहां के एक बेहद फेमस रेस्टोरेंट से। वो रेस्टोरेंट पहाड़ के ऊपर था इसलिए उन्होंने अपना खाना खाते हुए अच्छे से जंगल का आनंद लिया। उन्हें समुद्र अभी भी दिख रहा था लेकिन दूर तक देखने पर। अभी वो दोनों अपना खाना खा ही रहे थे कि अचानक अरमान के फोन पर जिमी का फोन आया। मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारा स्टेटस देखा है,
तुम पहाड़ पर बैठकर लंच कर रहे हो, व्यू भी बहुत अच्छा है, उसने कहा। अरमान ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यहाँ का व्यू तो सच में बहुत अच्छा है। जिमी ने हंसते हुए पूछा, तो फिर कैसा चल रहा है तुम्हारा ट्रिप, आ रहा है ना मजा? अरमान ने अपने सामने बैठी तनुजा को मजे से आइसक्रीम खाते हुए देखा। उसे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है यहाँ सब, उसने कहा। क्या ऐसा सब कहना तुम्हें शोभा देता है? जिमी ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। अगर तुम्हें अपना ट्रिप इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सीधा ऐसे कहो ना, हर चीज में मुझे बीच में क्यों ले आते हो? मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर इसलिए गया था क्योंकि तुम अकेले बोर हो रहे थे। मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर गया था इसलिए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लड़कों के साथ ट्रैवल करना कितना बोरिंग होता है, अरमान ने कहा। सच बताऊं तो स्वर्ग और नर्क जितना फर्क है। जिमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ये तो तुमने दिल दुखाने वाला कंपैरिजन कर दिया यार। अबे उदास मत हो, जब कभी भी तुम अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है, अरमान ने हंसते हुए कहा। पर अफसोस, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड तनुजा जितनी अच्छी होगी नहीं। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं करना चाहिए था, बाय। फोन काटने से पहले जिमी ने कहा, अरे हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आशिमा वापस आ रही है अगले सोमवार। अरमान की मुस्कुराहट जैसे अचानक कहीं गायब सी हो गई थी। तनुजा ने नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, अरमान ने फोन एकदम रख दिया और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। तनुजा थोड़ी देर उसे घूरती रही। उसे इस बात का एहसास तो हो चुका था कि अरमान अचानक काफी वियर्ड बर्ताव करने लगा था, पर उसका ये मूड ज्यादा देर तक नहीं टिका और वो जल्दी ही दोबारा नॉर्मल हो गया। लंच के बाद वो दोनों वापस होटल चले गए। तनुजा बालकनी में सोफे पर जाकर लेट गई थोड़ी देर सोने के लिए। मौसम गर्म था पर काफी ठंडी हवा चल रही थी और देखते ही देखते तनुजा सो गई। तनुजा गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी नाक पकड़कर उसे सांस लेने से रोक रहा था। उसने झट से आंखें खोली और उसे अरमान अपने पास खड़ा दिखाई दिया। आपने मुझे क्या उठाया? तनुजा ने पूछा। मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, अरमान ने कहा। आपको जाना है तो जाओ ना, पर मुझे क्यों उठाया है? तनुजा ने देखा कि अरमान ने स्विमिंग सूट पहना था जो वो मॉल से खास उसके लिए लाई थी। उसने पहले ही अपनी शर्ट उतार दी थी। उसकी स्किन सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अरमान की बॉडी एकदम परफेक्ट थी, सारी मसल्स अच्छे से शेप्ड। उसकी ऐसी बॉडी देखकर तो किसी का भी दिल जोरों से धड़कने लग सकता था। जो कुछ भी कल रात हुआ था वो तनुजा के दिमाग में रिप्ले होने लगा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अरमान ने तनुजा को नोटिस करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं ये स्विमिंग सूट ना पहनूं? तनुजा चौंक गई। वैसे भी यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसलिए मैं बिना कपड़ों के भी स्विमिंग के लिए जा सकता हूँ, अरमान ने कहा। तनुजा डर के मारे कांप रही थी। बिना कपड़ों के? क्या तुम पागल हो? उसने कहा। तुम मुझे ऐसे घूर रही थी तो मुझे लगा कि तुम बिना कपड़ों के मुझे देखना चाहती हो, अरमान ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा। नहीं तो, तनुजा ने साफ इनकार कर दिया और शर्माने लगी। तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारा साथ नहीं देता, अरमान ने मुस्कुराते हुए तनुजा को स्विम सूट के अंदर ही अपनी बॉडी दिखाते हुए कहा। अब इसे उतारना मत, तनुजा अचानक कुर्सी से खड़ी हो गई और बोली, अगर तुमने इसे उतारने की कोशिश भी की ना तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे सच में तुम लड़कियों का कुछ समझ में नहीं आता, अरमान ने कहा। क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? तनुजा ने अपना सिर हिलाते हुए उसे मना कर दिया और कहा, नहीं मुझ में अब हिम्मत नहीं है। दरअसल वो पूल में मरना नहीं चाहती थी। तुम वहां बैठकर मुझे देख सकती हो, कहीं और मत जाना, अरमान ने कहा। क्यों? तनुजा उसके इस बॉसी बिहेवियर से खुश नहीं थी। क्योंकि तुम मुझे वहां बैठकर देखोगी, अगर तुम मुझे देखोगी नहीं तो फिर मेरे तैरने का फायदा क्या? अरमान ने अपना पॉइंट साफ प्रूव कर दिया था। तनुजा ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम मुझसे मिलने से पहले कभी तैरने नहीं जाते थे क्या? अरे वो अलग था, तुमसे मिलने के बाद ही तो मुझे तैरने का असली मतलब पता चला है, अरमान ने बड़े प्यार से कहा। और वो क्या है? तनुजा काफी इम्प्रेस थी उसकी बात से। तुम्हें दिखाना। इतना कहते ही अरमान पानी में कूद गया और पूल के लास्ट तक चला गया जो कि तकरीबन 20 मीटर दूर था। फिर उसने दीवार से अपने पैर छुए और वहां से वो वापस तैरता हुआ आ गया।
वो इतना तेज था कि पलक झपकते ही वो तनुजा के पास वापस आ गया था और पानी से अपना सिर बाहर निकालकर उसे देख रहा था। जैसे ही उसने अपने बाल पीछे किए, पानी की बूंदें हर जगह फैल गईं। बिखरे हुए बालों के साथ वो काफी अच्छा दिख रहा था। कैसा था, क्या तुम्हें पसंद आया? अरमान ने तनुजा से एक्साइटेड होकर पूछा। उसकी शक्ल पर साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा था, मेरी तारीफ करो। तनुजा परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद उसने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ तुम अमेजिंग थे। तुम्हें इम्प्रेस करना कितना आसान है, अभी तो मैंने सिर्फ एक झलक ही दिखाई है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तनुजा की बात सुनते ही अरमान मुस्कुराते हुए फिर से पानी के अंदर चला गया और बैक फ्लिप के साथ पूल के दूसरे सिरे तक पहुँच गया और फिर वहाँ से बटरफ्लाई फ्लिप मार कर वापस आ गया। उसके बाद वो सिर्फ फ्री स्टाइल स्विमिंग करने लगा। तनुजा उसकी स्विमिंग स्किल से काफी इम्प्रेस थी। हर बार वो पूल का एक चक्कर पूरा करके वापस लौटता तो आकर तनुजा से जरूर पूछता कि उसने कैसा किया। अगले 1.5 घंटे तक तनुजा उसकी स्विमिंग स्किल्स ही देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक ओलंपिक की कोई स्विमिंग चैंपियनशिप देख रही थी वो। अरमान काफी मेहनत कर रहा था और उसकी शक्ल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो थक गया था, और इसलिए ही तनुजा को लग रहा था जैसे वो पागल था, क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी हद से हद 2-3 चक्कर के बाद थक जाता था। जैसे ही वो पूल से बाहर आया, तनुजा ने उसके लिए एक जूस का ग्लास भर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अरमान खुद को ओवर एग्जॉस्ट करे। अब तुम बस भी कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा किया। तो क्या तुम्हें मुझे ऐसे तैरते देखना पसंद है? अरमान ने तनुजा की तरफ देखकर मुस्कुराकर पूछा। उसकी आंखें एक छोटे से बच्चे की तरह चमक रही थीं। तनुजा का दिल भी पिघलने लगा था। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया तुम्हें ऐसे देखना, उसने कहा। तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे लिए स्विमिंग किया करूंगा, अरमान ने अपने दांत दिखाते हुए हंसते हुए तनुजा से कहा। एपिसोड 229, $5,000। डिनर के बाद अरमान ने तनुजा को वाटर थेरेपी स्पा के लिए जाने की सलाह दी, क्योंकि उसे तनुजा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नहीं, तनुजा ने उदास होकर मना कर दिया। मेरे पूरे शरीर पर उस रात के निशान है। अगर मैं स्पा के लिए गई तो मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे और मेरे लिए वो काफी शर्मिंदगी भरा हो जाएगा। अरमान ने कुछ देर तो सोचा, फिर उसे भी तनुजा की बात सही लगी। वो किसी और को तनुजा का शरीर नहीं देखने देना चाहता था, फिर चाहे वो कोई लड़की ही क्यों ना हो। अरमान ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मसाज के लिए चली जाओ। तनुजा ने थोड़ा सोचा और फिर वो मान गई। मसाज पैलेस में एक अटेंडेंट उन्हें एक बेहद खूबसूरत व्यू वाले कमरे में ले गया और उसने उनसे पूछा, क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी मसाज थेरेपिस्ट को लेकर? जी, इनकी थेरेपिस्ट एक लड़की ही होनी चाहिए और मेरी थेरेपिस्ट कोई लड़का, अरमान ने तनुजा की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बार के लिए तो वो अटेंडेंट भी कंफ्यूज हो गया था, पर फिर वो मुस्कुराने लगा। तुम्हें ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? तनुजा को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता कि आजकल क्या कुछ हो रहा है, और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम इतनी सुंदर और मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इसलिए कई लड़के लड़कियाँ हमसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए मैंने मेरे लिए एक लड़के को भेजने को कहा, ताकि तुम जेलस भी फील ना करो। तनुजा हंसने लगी और फिर उसने मजाक में कहा, फिर तो मेरे लिए भी एक लड़का ही बुला लो, तब मैं बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करूंगी। भूल जाओ, अरमान ने उसे घूरते हुए कहा। मसाज के दौरान उस लड़की ने तनुजा को मजाक में कहा, आपके पति काफी बॉसी हैं। मसाज के बाद अरमान ने तनुजा को उस लड़की को अच्छी खासी टिप देने को कहा और तनुजा मान गई। वहां से निकलते समय तनुजा ने अरमान से पूछा, आपने मुझे ऐसे उस लड़की को टिप देने को क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अरमान ने प्राउडली जवाब दिया। काफी अच्छी नजर थी उस लड़की की, टिप तो बनती थी। तनुजा को कहने के लिए एक भी शब्द नहीं सूझ रहा था। ऐसे पैसे की बर्बादी करना कोई आपसे सीखे, वो सोचने लगी। होटल पहुंचते ही तनुजा बेड पर लेट गई और सो गई। अरमान ने भी उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि उसे आराम से सोने दिया। अगले दिन जब तनुजा उठी तो उसने अरमान की सूजी हुई आंखें देखी। क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? अरमान ने पूछा। तनुजा की टांगें कांपने लगी और फिर अरमान की शक्ल देखकर तनुजा को उस रात जो कुछ भी अरमान ने उसके साथ रसोई की शेल्फ पर किया था वो सब याद आने लगा। क्या आप फिर से वो सब करना चाहते हैं? उसने पूछा। अरमान चुप रहा,
पर उसकी आंखें सब साफ साफ कह रही थीं। मुझे थोड़े दिन रिकवर तो होने दीजिए, मैं अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तनुजा ने उदास होकर कहा। वो खुद भी उसे मना नहीं करना चाहती थी, पर उसे सच में हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बार ही अरमान के साथ वो सब करने के बाद वो तकरीबन 3 दिन तक बेड पर ही पड़े रहना चाहती थी। क्या इतना दर्द है? मैं तुम्हारे लिए जाकर कोई दवाई लेकर आऊं? अरमान ने परेशान होते हुए पूछा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, पर मैं इस चीज के लिए कोई भी दवाई नहीं लेना चाहती। तनुजा अब और देर अरमान की नजरों के नीचे भी नहीं रहना चाहती थी। मैं नहाने जा रहा हूँ, अरमान ने शर्मिंदा होकर कहा। अच्छे कपड़े पहनना, तनुजा ने शर्माते हुए कहा और अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। उन्होंने व्हाइट बीच तक जाने का प्लान किया था। वहां पहुंचते ही तनुजा को एहसास हुआ कि वो बीच तो बेहद खूबसूरत था। तनुजा ने आज तक पहले भी कभी ऐसा बीच नहीं देखा था। बाकी सारी लड़कियों की तरह तनुजा भी हर जगह बस ढेर सारी फोटोज ही लेती रही। अरमान उसके बैग्स उठाकर बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। अपने सामने खड़ी उस जवान एनर्जेटिक लड़की को देखकर अरमान को एहसास हुआ कि ऐसे सफर में सिर्फ एक दूसरे के साथ सोने के अलावा सिंपल चीजों में भी काफी मजा आ सकता था, जैसे बीच पर घूमना, सनसेट देखना या साथ में खाना खाना। उन सब चीजों का भी अपना ही एक आनंद था। बीच पर कुछ फोटोज खींचने के बाद तनुजा ने अपनी ऊपर वाली शर्ट उतार दी, जिसके नीचे उसने एक लाल रंग का स्विम सूट पहना था। वो स्कर्ट के साथ एक टॉप वाला स्विम सूट था, जिसमें तनुजा बेहद पतली और खूबसूरत लग रही थी। अरमान को इस बात का एहसास हुआ कि तनुजा को लाल रंग पसंद था। कई लोग लाल रंग में काफी चीजी लगते हैं, पर तनुजा नहीं। तनुजा तो उस स्विम सूट में और भी ज्यादा गोरी लग रही थी। अपने सनग्लासेस पहनकर वो किसी स्टार से कम नहीं लग रही थी। बीच पर मौजूद कई लोग, खासतौर पर लड़के, उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, उसे चेकआउट कर रहे थे। इस बात को लेकर अरमान नाखुश था। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और तनुजा की कमर पर बांध दी। ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तो मैं पानी में गई भी नहीं, तनुजा ने कहा। यहाँ तुम पानी में जाना भी मत, तुम चाहो तो हमारे होटल के कमरे के पूल में स्विमिंग कर सकती हो, अरमान ने कहा। तो फिर हम बीच पर क्या करने आए हैं, अगर मैं यहाँ स्विमिंग नहीं कर सकती तो? तनुजा ने परेशान होकर पूछा। हम तुम्हारे लिए आज एक सिंगल पीस स्विम सूट खरीद लेंगे, फिर तुम यहाँ स्विमिंग कर लेना जितनी भी देर चाहो तुम उतना। तनुजा इतने गुस्से में थी कि अरमान की बात सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी। अगर आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे ना, तो फिर मैं आइंदा कभी आपके साथ बीच पर नहीं आऊंगी, उसने कहा। तो फिर और किसके साथ आना चाहती हो तुम? मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम दोबारा कभी बीच पर आई तो मेरे साथ ही आओगी, बस तुम्हें अपने किसी और भी दोस्त के साथ बीच पर जाने की इजाजत नहीं है, अरमान ने तनुजा के कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए कहा, जैसे मानो वो उस पर अपना हक जता रहा हो। तनुजा बहुत अपसेट थी। वो दुनिया की सबसे सुंदर बीच पर स्विमिंग करना चाहती थी, पर अरमान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था, और इसी वजह से तनुजा ने अरमान से पूरा दिन ढंग से बात नहीं की, जब तक वो दोनों उस बीच पर थे। होटल पहुंचते ही अरमान ने तनुजा के लिए एक सुंदर सा स्विम सूट निकाला और उससे कहा, ये लो पहन लो इसे, और फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें स्विमिंग करने नहीं दी, हम यहाँ इस पूल में इकट्ठे स्विमिंग करेंगे। तनुजा बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, मैं तो ये स्विम सूट लाई नहीं थी, आपको कहाँ से मिला ये? मैंने होटल के स्टाफ से कहा था मेरे लिए अरेंज करवाने को। तनुजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस चुपचाप खड़ी उस स्विम सूट को देखती रही। मुझे माफ करना, आज के बाद मैं बस सिंगल पीस वाले स्विम सूट ही पहनूंगी, तनुजा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने आज मुझे बीच पर स्विमिंग नहीं करने दी। मैंने वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। कितने लोग थे वहां पर, कई बच्चे तो पानी में यूरिनेट भी कर देते हैं, और लोगों की भी न जाने कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, लोग अपने हाइजीन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अरमान ने कहा। अब हर कोई मेरे जितना हाइजीनिक तो नहीं होता ना? पर तुमने पहले तो ऐसा नहीं कहा था, तनुजा ने कहा। क्या कहा था मैंने पहले? मुझे तो याद भी नहीं है, अरमान ने कहा। तनुजा अरमान की बेशर्मी देखकर हैरान थी। वो उससे बात तक नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बस चुपचाप रेस्टोरेंट चली गई। तनु, क्या तुम सच में नहीं पहनना चाहती? क्या तुम्हें पता भी है कितने का है? अरमान उसके पीछे पीछे चलता रहा और उससे बात करता रहा। ये स्विम सूट मुझे $5,000 में पड़ा है। ये सुनकर तो तनुजा को जैसे चक्कर ही आने लगे थे। वो जमीन पर गिरते गिरते बची। तुम्हें एक स्विम सूट पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी?
बस तीन छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े जोड़कर बनाए ये, तनुजा ने कहा। मैंने कहा था कि मुझे बेस्ट पीस चाहिए और होटल स्टाफ ने मेरे लिए सबसे महंगा पीस मंगवा दिया। मुझे लगता है कि जितना कम कपड़ा उतना ही ज्यादा कीमत। अरमान ने इनोसेंसी शक्ल बनाकर तनुजा की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम्हारा पर्स तो मेरे पास है, तुमने तो कहा था ना कि यहाँ पर तुम्हारे सारे खर्चे की जिम्मेदारी मेरी है। तनुजा को पता था कि वो बहुत अमीर था, पर फिर भी एक स्विम सूट पर इतना खर्च करने की बात सुनकर तनुजा का दिल दुख रहा था। इंटरनेट बैंकिंग नाम की भी एक चीज होती है, अरमान ने कहा, अगर तुम्हें नहीं पहनना तो फेंक दो उसे, मुझे तो तुम्हारे लिए खरीदना ही नहीं चाहिए था इसे। तनुजा को बहुत बुरा लग रहा था, अरमान ऐसे पैसे बर्बाद करने में सबसे आगे था। तनुजा के मुताबिक वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि इतना अमीर होने के बाद एकदम से गरीब हो जाने पर कैसा लगता है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुमने अभी अभी इतनी महंगी हीरे की अंगूठी खोई है? छोड़ो उसे, इस स्विम सूट को कमरे में रख दो, मैं बाद में पहन लूंगी, ठीक है? ठीक है। ये सुनकर अरमान खुश हो गया। अरमान अब इतना समझ चुका था कि अगर उसे तनुजा के लिए कुछ भी खरीदना होगा दोबारा तो उसे सबसे महंगी चीज ही खरीदनी थी, ताकि वो तनुजा से जो भी चाहे वो करवा सकता है। एपिसोड 230, सेकंड टाइम। जैसे ही वो दोनों डिनर के बाद कमरे में वापस आए, अरमान ने वो स्विम सूट जानबूझकर तनुजा के सामने रख दिया। तनुजा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चालाक भेड़िये के सामने खड़ी थी जो कि तनुजा को देखकर अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझे स्विमिंग करने से पहले कुछ देर आराम की जरूरत है। तनुजा अब समझ चुकी थी कि उसे आज रात अरमान की बात तो माननी ही पड़ेगी, इसलिए अब उसने कोशिश करना भी बंद कर दिया था। ठीक है, अरमान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तकरीबन 8 बजे तनुजा ने वो स्विम सूट पहना और वो बाथरूम से बाहर आई। खुद को शीशे में देखने तक में उसे बहुत शर्म आ रही थी। तनुजा ने एक गहरी सांस ली और खुद को एक टॉवल में लपेटा और वो बाथरूम से बाहर आ गई। उसे देखकर अरमान की आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान में तारे चमक रहे हों। अरमान ने उसे बिना कपड़ों के भी देखा हुआ था, पर अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि ऐसे तनुजा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरमान मन ही मन सोच रहा था कि अगर वो टावल ना होता तो तनुजा और भी खूबसूरत लगती। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? तनुजा ने अरमान को धमकाती हुई नजरों से देखा और वो सीधा पूल की तरफ चली गई। अरमान भी उसके पीछे पीछे ही चला गया। उसने तनुजा को पूल साइड तक जाते हुए और वहां उसे जाकर अपने टावल को उतारते हुए देखा। तनुजा को ऐसे देखकर अरमान को उस रात की याद आ गई। तनुजा तब भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। अरमान अब खुद को और नहीं रोक पा रहा था। वो जल्दी से आगे गया और उसने तनुजा को अपनी गोद में उठा लिया। तनुजा ने भी जल्दी से अरमान के गले में अपनी बाहें डालते हुए पूछा, क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें उठा रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही तनुजा शर्मा गई। मेरा वो मतलब नहीं था, क्या कर रहे हैं आप? अभी तो बताया मैंने तुम्हें। इसी के साथ अरमान तनुजा को उठाकर पूल के पास पड़े केन के बेड तक ले गया। तनुजा काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद तो थी कि अरमान ऐसे रिएक्ट करेगा, पर उसे लगा था कि ये सब उसके पानी में जाने के बाद ही होगा। पर अरमान ने तो तनुजा के पानी में जाने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। पर क्या ये गलत नहीं है? अभी तो मैं पानी में भी नहीं गई हूँ। तनुजा ने अरमान की बाजू हटाने की कोशिश करते हुए कहा, नीचे उतारो मुझे, तुम पानी में बाद में भी जा सकती हो, अरमान ने कसकर तनुजा को पकड़ते हुए कहा। क्या बाद में मुझ में स्विमिंग करने की हिम्मत बचेगी? अगर आपने अभी मुझे नीचे नहीं उतारा ना तो मैं फिर कभी आपके साथ स्विमिंग करने नहीं आऊंगी, तनुजा ने अरमान को धमकाते हुए कहा। मैंने स्विम सूट पहना है, कोई वैसे कपड़े नहीं। फर्क क्या है, अरमान मन ही मन सोचने लगा। पर तनुजा की धमकी से उसका इरादा तो जरूर बदल गया था। उसने थोड़ी देर तो सोचा और फिर वो तनुजा को लेकर पानी में जाने लगा। सब ठीक था, उसने इतनी देर तो इंतजार किया ही था, वो कुछ और देर इंतजार कर सकता था। वैसे भी तनुजा वीक थी, वो जल्दी ही पूल में थक जाने वाली थी। अरमान ने अच्छे से सब सोच समझ लिया था,
और वो बस इसी उम्मीद में था कि वो सब कुछ जल्दी से हो जाए। पानी में जाते ही तनुजा तैरते हुए अरमान से काफी दूर चली गई, पर तनुजा को स्विमिंग ढंग से नहीं आती थी। ये तो भगवान का शुक्र था कि वो पूल ज्यादा गहरा नहीं था और तनुजा के पैर आराम से जमीन पर लग रहे थे। अरमान उसके साथ ही खड़ा रहा, उसे स्विमिंग करते हुए देखता रहा। उसकी नजर के सामने तनुजा भी ढंग से रिलैक्स नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने उससे पूछा, आप भी मेरे साथ स्विमिंग क्यों नहीं करते? अरमान ने अपनी बाजुएं फोल्ड करते हुए कहा, आज हम पूरा दिन बाहर थे, मैं थक चुका हूँ। आप थकते भी हैं? तनुजा ने हैरान होकर पूछा। पहले दिन ही आपने 20 मीटर गहरी डाइव मारी थी, तब तो आप नहीं थके थे? मुझे कल रात ढंग से नींद नहीं आई क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अरमान ने कहा। तनुजा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो अब अरमान से और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप बस अपनी स्विमिंग करने लगी अकेले। पर पूल के दो चक्कर लगाते ही वो थक गई। अरमान ने मौके का फायदा उठाया और वो धीरे से उसके पास चला गया और उसने उसे हग कर लिया। इतनी जल्दी थक गई तुम? अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर तनुजा ने कहा, आप तो इसी पल का इंतजार कर रहे थे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान ने तनुजा को पूल साइड ले जाते हुए कहा। तनुजा उसकी बात पर यकीन कर भी लेती अगर वो थोड़ी बेवकूफ होती। अरमान ने उसे कैन के बने बेड पर लिटाया और कहा, तुम थक गई हो ना, आओ मैं तुम्हें अच्छे से एक मसाज देता हूँ। इतना कहते ही तनुजा के जवाब का इंतजार किए बिना ही अरमान तनुजा के कंधे दबाने लगा। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हारी मसाज नहीं चाहिए, तनुजा ने कहा और अपने कंधे झटके ताकि अरमान का हाथ वहां से हट जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। अरमान ने अपने हाथ तनुजा के कंधे से हटाए और तनुजा को अपनी गोद में बिठा लिया। चाहते क्या हो आखिर आप? तनुजा ने हैरान होकर पूछा। जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तनु अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, अरमान ने साफ साफ कह दिया। उन दोनों के गीले शरीर एक दूसरे को छू रहे थे। शुरू से ही आपका यही इरादा था ना? तनुजा ने उसे घूरते हुए उससे पूछा। तो तुम नहीं चाहते क्या ये सब? देखा, तुम्हारी आंखों ने एक बार फिर तुम्हें फंसा दिया है। इतना कहते ही अरमान तनुजा की तरफ झुका और उसे किस करने लगा। तनुजा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी शर्म के मारे। अरमान के बस छूने भर की देर थी कि तनुजा का शरीर खुद ब खुद ही रिएक्ट करने लगा था। तनुजा भी उसकी तरफ थोड़ी खींची चली जा रही थी। क्या मैं पहले नहा लूं? और वैसे भी हम अभी बाहर हैं। बस हम दोनों ही हैं इस विला में, किस बात का डर है तुम्हें? और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, तुम बाद में नहा लेना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अरमान अब खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये उनका सेकंड टाइम था और वो दोनों बाहर ही सब करने वाले थे। इस बात को सोच सोच कर ही तनुजा घबरा रही थी, उसे ये सब कुछ ज्यादा ही वाइल्ड लग रहा था। पर साथ वाले विला में तो लोग है ना, उसने डरते डरते कहा, इसलिए तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, अरमान ने उसे चुप करवाते हुए कहा। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? तनुजा ने धीमी आवाज में अरमान से भीख मांगते हुए कहा। अरमान ये सुनकर बेहद खुश हो गया था, तनुजा ने तो जैसे उसके दिल की बात कह दी थी। अब आखिर वो तनुजा की बात कैसे टाल सकता था? वैसे ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, अरमान ने तनुजा को दोबारा किस करते हुए कहा। तनुजा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसे लग रहा था जैसे अरमान पूरी तैयारी के साथ आया था। सेकंड टाइम तनुजा को पहली बार से कम दर्द हुआ। तनुजा को पहली बार से काफी बेहतर महसूस हो रहा था, पर अभी भी वो शर्मा रही थी और शर्म के मारे पूरे समय अपना होंठ ही चबा रही थी। अरमान को डर था कि कहीं तनुजा अपने होंठ को काट ना ले, इसलिए वो उसे किस करता रहा। उस कैन के बेड पर ही वो दोनों लेटे हुए थे। तनुजा को एहसास हुआ कि इस बार तो सब पहली बार से भी ज्यादा देर तक चला। उनके बीच सब कुछ हो जाने के बाद तनुजा अपनी उंगलियां तक नहीं उठा पा रही थी। अरमान ही उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम तक लेकर गया ताकि वो नहा सके। नहाने के बाद जैसे ही तनुजा बेड पर लेटकर सोने लगी, होटल स्टाफ खाना लेकर आ गया। अरमान बड़े मजे से अपनी नूडल्स खाते खाते लिविंग रूम से कमरे में आया और बोला, देखा देखा मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, मुझे पता था कि तुम थक जाओगी, इसलिए मैंने पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था। तनुजा उसे घूरने लगी। मैंने तुम्हें तुम्हारा तोहफा दे दिया,
अपना काम कर दिया है मैंने, अब तुम्हारी बारी है, चलो इधर आओ और मुझे खाना खिलाओ। तुमने क्या काम किया? अरमान ने पूछा। तुम तो सारा समय बस बैठी रही, सारी मेहनत तो मैंने ही की, यहाँ तक कि तुम्हें तो बाथरूम तक भी मैं उठाकर लेकर गया था। तुम्हें मेरे जैसा अच्छा आदमी और कहीं नहीं मिलेगा जो तुम्हारा इतना ध्यान रखता हो, और तो और तुम्हारे खाने पीने तक का ख्याल रखता हो।